रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अरमीन के किचन में आपको वेलकम करती हूँ। मैं चिकन बाटी गोश्त बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है, 1 प्याज बारीक चॉप कर ली है, ये योगर्ट है, थोड़ा सा गरम मसाला और ये राई दाना, मेथी दाना, सौंफ, इसको मैंने मिक्स कर लिया है। 3 टेबल स्पून घी और इसमें ये मसाले जाएंगे, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, धनिया और ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला। तो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें घी डाल दूँ। गरम हो गया है, अब मैं इसमें ये डालूँगी बघार के लिए। इससे एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। ये थोड़ा सा कड़कने लगेगा तो फिर मैं इसमें प्याज डालूंगी। यही मैं इसमें गरम मसाला भी डाल देती हूँ। 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायचियाँ, 4-5 लौंगे और 4-5 काली मिर्चें, इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। जब ये थोड़ा सा कड़केगा तो फिर इसमें मैं प्याज शामिल करूंगी। रमज़ान में सहरी के लिए परफेक्ट रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अब इसने शोर शराबा शुरू कर दिया, अब मैं इसमें प्याज शामिल करूंगी। झटपट बनने वाली रेसिपी है, रमजान में जरूर आप ट्राई कीजिएगा। भुने हुए गरम मसाले की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, जो उसमें सौंफ और मेथी दाना, राई दाना, ये सब है, इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये थोड़ा सा इसका प्याज का कलर चेंज हो जाए, फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और गोश्त डाल के भूनूंगी। अच्छा, वो जो ड्राई मसाले हैं उसे मैं योगर्ट में डाल के फिर इसमें डालूंगी, उसको योगर्ट में मिक्स कर लूंगी। आप चाहें तो योगर्ट को स्किप भी कर सकते हैं। मैं टमाटर थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा टमाटर की प्यूरी डालूंगी इसमें। मैंने 1 कप मैंने 1 प्याली दही लिया है, 1 प्याली मैंने दही लिया है और 1 प्याली टमाटर का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर टमाटर की प्यूरी शामिल करूँगी। आप चाहें तो दही को स्किप कर सकते हैं, लेकिन दही से इसका जायका अच्छा बनता है। मैंने इसमें गरम मसाला ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ 3-4 लौंगे लिए हैं, 3 लौंगे लिए हैं, 3 काली मिर्चें ली हैं और 1 पत्ता, 1 इलायची, 2 छोटी इलायची, बस ये लिए हैं, क्योंकि मैं पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। बाकी सारी चीज़ें मैंने उसमें पिसी हुई हैं, काला ज़ीरा वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें पहले से पीसी हुई हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा मसाले के लिए गरम मसाले इसमें नहीं शामिल करना था। ये सिर्फ बघार के लिए मैंने डाला है। यहाँ ये प्याज हो रही है, अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। एक से दो मिनट मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, फिर इसमें चिकन शामिल करूंगी। लहसुन अदरक की स्मेल खत्म हो गई, अब मैं इसमें गोश्त शामिल करूंगी। इसको थोड़ी देर भूनना है ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। जो गोश्त की एक अपनी हल्की सी स्मेल होती है वो खत्म हो जाए तो फिर मैं इसमें दूसरे मसाले शामिल करूंगी। सेट हो गया है, मैं इसमें ये मसाले शामिल करूंगी जो मैंने योगर्ट में ये मसाले मिलाए थे, लहसुन, नमक, मिर्च, हल्दी और दूसरे मसाले मैंने शामिल किए थे, अब मैं इसे शामिल करूंगी इसमें।
टमाटर की प्यूरी मैं थोड़ी देर में शामिल करूंगी, जरा पहले थोड़ा सा इसको ऐसे भून लूँ इसके साथ, फिर टमाटर की प्यूरी शामिल करूंगी। अब इसकी बुनाई का काम शुरू हो गया है, मैं इसमें ये टमाटर की प्यूरी शामिल करूंगी। अब इसकी सिर्फ बुनाई होगी बस। ये बन रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता, इसमें से पानी खत्म हो गया, योगर्ट और जो टमाटर की प्यूरी मैंने डाली थी उसका पानी अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। इसको हल्के हल्के हाथों से इसको भूनना है, इसका गोश्त बहुत जल्दी टूट जाता है। सब कहते हैं योगर्ट डालो तो इसका गोश्त, चिकन का गोश्त नहीं टूटता, लाजमी टूटता है। देखें अभी पूरा पका नहीं और टूट गया। ये बहुत इजी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पर सारा घी इसमें से सेपरेट हो गया है। अब मैं इसे थोड़ी देर, एक कप पानी डाल के इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी। अब अगर आप इसमें पानी ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आपने ग्रेवी लेनी है, आपको ग्रेवी चाहिए तो आप ग्रेवी के लिए इसमें पानी ज़्यादा डाल सकते हैं। इस रेसिपी को आप मटन और बीफ के साथ भी बना सकते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है। अभी तकरीबन तैयार हो चुकी है, अब मैं इसमें मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो गया है। अब मैं इसमें एक कप पानी डालूंगी ताकि ये जो थोड़ी सी कसर रह गई है गलने की वो हो जाए। अगर आपने चावल से खानी है तो फिर तो आपको पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा। ये पानी भी मैं पूरा डाल दूँगी और इसे कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए रख दूँगी। मैं इसे 10 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ, 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगी, फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये मज़ेदार सा बाल्टी गोश्त तैयार हो गया है, बहुत मज़े का बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसा बना मुझे कमेंट्स में बताएं, मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं मुझे फीडबैक दें, मेरी रेसिपीज़ को फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।